So guys, welcome back to a new video of me that Indian vlogger. क्या आप सोच रहे हैं कि हम मास्टर्स करें कनाडा में या फिर एडवांस डिप्लोमा? सो इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा टाइम टू टाइम. मेरे मोबाइल और ट्राईपॉड के साथ कुछ हादसा हुआ तो उसमें थोड़ा डिले हो गया. देन कॉलेज में असाइनमेंट चल रहे थे तो वो कंप्लीट करना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा डिले कर देता हूँ. बट फ्रॉम नाउ मैं ध्यान रखूँगा कि वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो. सो आज मैं थोड़े बहुत 7 से 8 क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ, जो कि हर बार हमारे दिमाग में आते हैं जब हम मास्टर्स या एडवांस डिप्लोमा के लिए सोचते हैं. तो क्वेश्चन है कि कौन सी बेस्ट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है मास्टर एजुकेशन के लिए, कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं इंडिया या कोई भी कंट्री से आके आप यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हो. देन उस कोर्सेज जो कि सिलेक्टेड कोर्सेज है उसके रिक्वायरमेंट क्या है. और मैं जो भी कोर्सेज के रिक्वायरमेंट बोलूँगा वो अप्रॉक्स हो गए, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई आपने तो 7 बोला था कि 7 आ गया तो भी मुझे नहीं मिला. मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप कौन सी कॉल यूनिवर्सिटी है, लिस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटी है या फिर उनके रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपरली. देन बात आती है कि यूनिवर्सिटी कोर्स के रिक्वायरमेंट पता चल गया, अब एडमिशन के रिक्वायरमेंट क्या है तो वो हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में. उसके बाद एडमिशन के प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सेंड करना पड़ेगा, ऑफर लेटर कितने दिन में आएगा आपका. देन लास्ट में है मास्टर्स के बाद जॉब या फिर करियर का स्कोप क्या है. सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडवांस डिप्लोमा और मास्टर्स. एडवांस डिप्लोमा है कि अगर आप 10th या 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो इंडिया में, तो उसके बाद आपको मास्टर्स या एडवांस डिप्लोमा दो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एडवांस डिप्लोमा चूज करिए कर सकते हैं या फिर मास्टर्स भी कर सकते हैं. एडवांस डिप्लोमा कुछ नहीं, आपने जो स्टडी की होती है बैचलर या डिप्लोमा की उसके रिलेटेड थोड़ी सी एडवांस स्टडी है इसमें. और ये कोर्स अप्रॉक्स 1 या 2 साल का होता है. और अब बात करते हैं मास्टर्स की. मास्टर्स है जो कि है एकदम हाई लेवल का एजुकेशन, आपकी जो फील्ड है, आपने जो चूज की है फील्ड इंडिया में उसके रिलेटेड हाई लेवल की स्टडी है मास्टर्स. मास्टर्स अप्रोक्स मास्टर्स की जो कोर्स लेंथ है वो अप्रोक्स 2 to 3 years डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स. सिलेक्टेड कोर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और फीस की बात करें तो मास्टर्स की ज़्यादा फीस है, ऑलमोस्ट 30,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर. और एडवांस डिप्लोमा की आती है अप्रॉक्स 16,000 to 19,000 पर ईयर. अब सेकेंड चीज है बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी. वैसे तो देखा जाए पूरे कैनेडा में जो भी कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की, सब बेस्ट है. बट एजुकेशन वाइज, रिव्यू वाइज, मैंने ये कुछ 5-6 यूनिवर्सिटी पिक की है आपके लिए, और जो भी दूसरी यूनिवर्सिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो पहली यूनिवर्सिटी है, मुझे लगा ये बेस्ट है, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि है वैंकूवर में, कैनेडा के ईस्ट साइड. सेकेंड यूनिवर्सिटी है जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि है ये यहाँ पर डाउनटाउन टोरंटो में. थर्ड यूनिवर्सिटी है वो है मैकगिल यूनिवर्सिटी, जो कि है मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल क्यूबेक। फोर्थ यूनिवर्सिटी है वो है वाटरलू यूनिवर्सिटी, वाटरलू स्टेट या सिटी में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। थर्ड है उसके बाद आती है अल्बर्टा यूनिवर्सिटी, वो एडमिंटन में है, एडमिंटन करके कोई जगह है। उसके बाद आती है मैक मास्टर यूनिवर्सिटी जो कि है हेमलिंटन में। और दूसरी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम और कुछ रिलेटेड उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं बेस्ट कोर्सेज की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जो बोलूंगा वो ही बेस्ट है। आपने जो इंडिया में चूज किया होगा, वो भी बेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेजर फील्ड मैं बता देता हूँ, वो है इकोनॉमिक स्टडीज, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी है, ये सब मेन फील्ड है। और उसके अंदर आते हैं लाइक इंजीनियरिंग में आएगी कंप्यूटर साइंस, सिविल्स, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंस, एचआर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, देन फार्मेसी एंड मेनी मोर। बहुत सारे फील्ड हैं जो कि बेस्ट है। ओके, अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट है, ये जो रिक्वायरमेंट है आपको मैं बता रहा हूँ वो अप्रोक्स है। तो आपको जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना अप्लाई करने जाने वाले हो तो कृपया करके चेक कर लो, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्कूल का जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का 60% मिनिमम, एटलीस्ट आपको 60% लाना होगा 10th 12th दोनों में। ज़्यादा आप लाओगे तो अच्छा पड़ेगा। देन डिप्लोमा की अगर हम बात करें, एडवांस डिप्लोमा बैचलर के बाद, तो आपको GPA पर सेम एंड ओवरऑल होना चाहिए 7 or 7.5 के ऊपर। मास्टर्स की बात करें तो उसमें एटलीस्ट 7.5 GPA चाहिए पर सेम, और ओवरऑल आपका 7.5 या 8 के ऊपर होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल बैचलर के बाद देखने जाए या फिर बैचलर का रिजल्ट देखने जाए तो आपको 7.5 एटलीस्ट चाहिए मास्टर्स या एडवांस डिप्लोमा के लिए। ऐसा है नहीं कि 7.5 आ गया तो एडवांस डिप्लोमा या फिर मास्टर्स में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, बट वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। मेरा एक फ्रेंड था जिसका ऑलमोस्ट GPA था 8 बट यूनिवर्सिटी को चाहिए था 9, सो लाइक उसको नहीं मिला एडमिशन तो वो कॉलेज में है मेरे साथ। अब है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर की जो लिस्ट है स्टेप बाय स्टेप वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, मेरा चैनल का सेकंड वीडियो हाउ टू स्टडी इन कैनेडा। आपको आई बटन यहाँ पे जो आएगा वहाँ पर क्लिक करो, मिल जाएगा। नहीं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पहले 10th 12th अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ लाइन वाइज क्या क्या आपको चाहिए एडमिशन प्रोसीजर के लिए। फर्स्ट होगा आपका 10th कम्प्लीटेड, 12th कम्प्लीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर बैचलर जो है कम्प्लीट किया आपने वो उसका सर्टिफिकेट, देन IELTS आ गया। उसके बाद आप अप्लाई करो यूनिवर्सिटी को, किसी एजेंट या खुद भी कर सकते हो, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि एजेंट थ्रू करवाएं, खुद भी कर सकते हो। मैंने भी खुद अपना एडमिशन किया है। एडमिशन जैसे ही आप करते हो तो ऑफर लेटर आने में अप्रोक्स 1 या 2 महीने तो लगेंगे कम से कम। कॉलेज होगा तो महीने के अंदर आ जाएगा। ऑफर लेटर आते ही आप पहले फीस की थोड़ी एडजस्टमेंट कीजिए, देन आफ्टर फीस जैसे ही पे हो जाए तो GIC की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। GIC जैसे पे हो जाए तो उसके बाद आपको सब सर्टिफिकेट मिलेंगे, ऑफर लेटर आ जाएगा, फीस रिसिप्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसे, देन
जीआईसी की जो डॉक्यूमेंट जीआईसी का जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपके पास आ जाएगा। अब बारी आती है वीज़ा की। वीज़ा के टाइम पे अगर आप क्यूबेक जा रहे हो तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है क्यूबेक का कोई सर्टिफिकेट। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो मैं क्यूबेक के बारे में थोड़ी बात कर दूंगा। उसके बाद आप वीज़ा में अप्लाई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा का डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद आप वीज़ा अप्रूव हो गया तो आप पैकिंग करके यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद आपको पता ही है, आपको स्टडी करनी है, लाइफ बनानी है और एंजॉय करना है। अब आते हैं हम इस वीडियो के एंड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब मैं बता देता हूँ थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर मुझे जो लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आप मास्टर्स करोगे या फिर एडवांस डिप्लोमा करोगे या फिर डिप्लोमा जो कि मैं कर रहा हूँ उसके लेवल पे आपको तुरंत या फिर देर लगेगी जॉब करने में, जॉब मिलने में। ऐसी चीज़ नहीं है। अब स्कोप की बात करें तो यहाँ पर डिग्री और स्किल्स दोनों साथ में देखी जाती है। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, मार्क्स अच्छे हैं और आपकी स्किल्स भी हायर है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। बट इफ आपके सामने कोई मास्टर्स वाला खड़ा है और उसकी स्किल्स ठीक है तो आपको वो प्रेफरेंस आपके साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर हमारे जैसा नहीं है कि मास्टर्स है तो तुरंत जॉब मिलेगी। यहाँ पर डिग्री और स्किल्स, आपकी नॉलेज, वर्क करने की स्किल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जॉब, आप कहाँ काम करने वाले हो, उसकी जो स्किल्स आपकी जो अच्छी हो तो वो लोग तुरंत ही आपको प्रिफर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो लोग तुरंत ही आपको जॉब के लिए बोल देंगे कि कल से चालू कर दो, ऐसा नहीं है, देर लगती है। और सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये वीडियो को मैं इंग्लिश में बनाने वाला हूँ, थोड़ी देर लगेगी, असाइनमेंट कर रहा हूँ अभी तो हिंदी में जल्दी बन जाता है, तो मैंने सेंड कर दिया इस वीडियो को। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वैसे तो मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ जैसे ही मेरे पास आती है तब। तो सी यू ऑल गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।